Hi guys, welcome your favorite YouTube channel Facial Care on Self. Please click subscribe button and bell button for latest video. It's absolutely free. Hi guys, friends, आज मैं आपको दिखाऊंगी कैसे सिर्फ और सिर्फ विटामिन ई कैप्सूल को आप इस्तेमाल करके आपका 5-5 ब्यूटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। विटामिन ई फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा रहता है, ये वन एंड ओनली आपका 5 ब्यूटी प्रॉब्लम को हील करता है, ये बहुत ही अच्छा रहता है। विटामिन ई कैप्सूल आपको कोई भी मेडिसिन का दुकान में मिल जाएगा। ये विटामिन ई कैप्सूल 600 है, ये देखिए ये 600 है, 600 और ये है 400। ये इवियन कैप्सूल नाम से आता है मार्केट में। फ्रेंड्स जिनका भी एज 30 प्लस है वो इवियन 600 को यूज़ कीजिए और जिनका 30 से कम है वो इवियन 400 को यूज़ कीजिए। इसको कैसे कैसे इस्तेमाल करना है ये सारा डिटेल्स मैं दूंगी, पर फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने से पहले जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या जो लोग मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन सभी के लिए मैं फिर से याद दिलाती हूँ। फ्रेंड्स मेरे वीडियो के नीचे देखिए एक रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब बटन, उसको क्लिक कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आगे से मेरा जो भी अच्छा अच्छा वीडियो आएगा उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा। और फ्रेंड्स मैं इससे बाद भी इससे भी बेहतर बेहतर वीडियो लाऊंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। और फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके साथ मेरा रिलेशन जुड़ जाएगा। आप कोई भी ब्यूटी रिलेटेड जानकारी चाहेंगे तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगी उसके ऊपर वीडियो बना के आपको दिखाने के लिए। और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स एकदम फ्री है, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी देख लेते हैं इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये नेल के लिए बहुत अच्छा रहता है विटामिन ई, आपका अंडर आई रिंकल के लिए बहुत अच्छा है, आपका क्रैक लिप के लिए बहुत अच्छा है, आपका फेस का रिंकल के लिए और आपका स्किन को ग्लोइंग स्किन बनाने के लिए विटामिन ई बहुत अच्छा है। और उसके साथ फ्रेंड्स हाथ का नमी को बरकरार रखने के लिए भी विटामिन ई बहुत ही अच्छा है। इन पांचों प्रॉब्लम के लिए विटामिन ई वन एंड ओनली बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है। इन पांचों प्रॉब्लम के लिए विटामिन ई मैं अपने ऊपर अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी, तो चलिए देख लेते हैं। हाय गाइस, ये है देखिए विटामिन ई कैप्सूल, इसको पहले आप सेफ्टी पिन या कोई भी पिन की मदद से इसको छेदा कर लीजिए और उसके बाद इसके अंदर में जो लिक्विड है उसको निकाल लीजिए। ये ऐसे प्रेशर दे के इसके अंदर का लिक्विड को निकाल लीजिए। फ्रेंड्स ये जो मैं 5 टिप्स दिखा रही हूँ, जिनका भी स्किन ड्राई है, ड्राई टू नॉर्मल है वो लोग ही यूज़ कीजिए, जिनका स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है वो मत यूज़ कीजिए इसको। और इस टिप्स को आपको रात को सोते वक्त यानी बेड टाइम में अप्लाई करना है। फर्स्ट टिप्स है नेल के लिए, थोड़ा सा आप विटामिन ई जो लिक्विड है वो ले लीजिए और अपने नेल में इसको लगा के 2 से 3 मिनट मालिश कीजिए। ये बहुत ही अच्छा रहता है नेल के लिए, ये आपका नेल को स्ट्रॉन्ग करेगा और आपका नेल को टूटने भी नहीं देगा और जल्दी से लंबा करने के लिए मदद करेगा। ये जल्दी से आपका नेल को फास्ट ग्रो करने में हेल्प करेगा। और सेकंड टिप्स है मेरा, सेकंड टिप्स के लिए आपको फिर से थोड़ा सा विटामिन ई जो लिक्विड है उसको लेके आँखों के चारों तरफ रिंकल के लिए अप्लाई करना है। जिनके आँखों के नीचे बहुत ज़्यादा रिंकल आ गया है वो इसको अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। ये इसको लगा के आपको रात भर रख देना है, सुबह उठ के नॉर्मल वाटर से धो लेना है। इसको लगा के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको थोड़ा सा मालिश लेना है और 2 मिनट मालिश लेने के बाद इसको ऐसे रख देना है आँखों को चारों तरफ लगा के। और उसके बाद जिनका होंठ बहुत क्रैक है, ये 3 नंबर टिप्स है, क्रैक हो गया है, स्मूथ नहीं है, उनके लिए विटामिन ई का ये लिक्विड बहुत ही अच्छा है। इसको मैं जैसे अप्लाई कर रही हूँ ऐसे आप अपने होंठ में इसको अप्लाई कीजिए और उसके बाद रात भर इसको रख दीजिए और सुबह धो लीजिए। 4 नंबर टिप्स है फ्रेंड्स रिंकल के लिए, जिनका भी फेस में रिंकल आ गया है
या आपका फेस में कोई ग्लो नहीं है तो आप विटामिन ई कैप्सूल का लिक्विड लेके लगा के हल्का हाथ से चेहरे पे लगा के रात भर रख दीजिए, सुबह उठ के धो लीजिए। ये आपका फेस का रिंकल को भी रिमूव करता है और उसके साथ ही साथ फेस में एक ग्लो लाने में हेल्प करता है। ये मैंने लगा लिया है और अभी मैं मेरा लास्ट टिप्स यानी 5 नंबर टिप्स दिखाऊंगी। ये जिनका भी हाथ एकदम रफ हो गया है उनके लिए विटामिन ई कैप्सूल का लिक्विड बहुत अच्छा रहता है। आप रात में इसको अपने हाथ में लगा के यानी हथेली में लगा के ऐसे मालिश लीजिए और रात भर रख दीजिए और सुबह उठ के धो लीजिए। ये जो भी मैं टिप्स बोली हूँ इन सभी को फ्रेंड्स आप लगातार सिर्फ 3 ही दिन इस्तेमाल करेंगे तो 3 ही दिन में देखिएगा आपका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आपको कंटिन्यू करते जाना है तो फ्रेंड्स आपको रिंकल नहीं आएगा, आपका हाथ रफ नहीं होगा, आपका होंठ क्रैक नहीं होगा, आपका नाखून स्ट्रांग होगा। तो फ्रेंड्स इन सभी को अप्लाई करके आपको रात भर रख देना है, सुबह उठ के धो लेना है। और इसके बारे में जानकारी लेके आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें। जाने से पहले मैं फिर से याद दिलाती हूँ, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलूँगी कोई अच्छा सा ब्यूटी टिप्स या हेल्थ टिप्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।